الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم उधर पेश करेंगे तुम्हारी तरफ إذا رجعتم إليهم जब तुम उनकी तरफ लौटोगे। قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا कह दीजिए ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला تَعْتَذِرُوا न तुम उज़र पेश करो। لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ हरगिज़ नहीं हम यकीन करेंगे तुम्हारे लिए। قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ तहकीक खबर दे चुका है हमें अल्लाह ताला तुम्हारी खबरें तुम्हारी बातें। وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ और अनकरीब देखेंगे अल्लाह ताला عَمَلَكُمْ तुम्हारे अमाल وَرَسُولُهُ और अल्लाह का रसूल भी। ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ फिर तुम लौटाए जाओगे गैब और हाजिर को जानने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। فَيُنَبِّئُكُمْ पस वो खबर देगा तुम्हें बिमा कुंतुम साथ उसके जो तुम थे तामलून अमल करते। يعتذرون إليكم वो उज़र पेश करेंगे तुम्हारी तरफ। इधा रजा तुम जब तुम लौटोगे इलैहिम उनकी तरफ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुनाफिकीन के बारे में, वो मुनाफिकीन के जिन्होंने उल्टे सीधे बहाने लगाकर उज़र पेश करके इजाज़त ले ली थी और वो मुसलमानों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मुसलमानों के साथ वो गए नहीं थे जंगे तबूक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम लौटोगे उनकी तरफ तो वो तुम्हारी वफादारी हासिल करने के लिए तुम्हारी सपोर्ट हासिल करने के लिए वो आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हारे पास आकर तुम्हें दोबारा उज़र पेश करेंगे जब तुम वापस लौटोगे उनकी तरफ। قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا कह दीजिए अल्लाह के रसूल उज़र पेश ना करो, यानी जब ये आएंगे तो उस वक़्त ऐ अल्लाह के रसूल आपने इन्हें कह देना है कि तुम्हें अपने उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है। لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ हरगिज़ नहीं हम यकीन करेंगे तुम्हारे लिए। لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ हरगिज़ नहीं हम यकीन करेंगे तुम्हारे लिए। नुमिना का मतलब यहाँ यकीन करना करें कि ईमान लाना करें। नुमिना आमना युमिनु ईमान लाने के माने में भी इस्तेमाल होता है और यकीन करने के माने में भी, तो कैसे हम फ़र्क करेंगे कहाँ ये ईमान लाने के बारे में है कहाँ ये यकीन करने के बारे में है। पीछे मैंने बताया था 2-3 सफहात पहले। आम तौर पर युमिनु नुमिनु युमिनु ना ईमान के माने में हम इस्तेमाल करते हैं उसी से लन मीना। अब इसका मतलब ईमान लाना करें या यकीन करना करें जी, तो मैंने जिक्र किया था जब इसके बाद बा आए इसका सिला इसकी प्रपोजिशन तब ये ईमान लाने के माने में होता है और जब इसके बाद लाम आए लाम जेड ली जिसको लाम जारा कहते हैं तब फिर ये यकीन करने के माने में होता है और जब ये लाम ज़मीर से पहले आता तो इस पर ज़बर आ जाती है और इसकी वजाहत हमने पढ़ी थी कुछ सफ़हात पहले। वहाँ दोनों इकट्ठे थे, वहाँ ईमान के बाद बा भी था और ईमान के बाद लाम भी था। सूरह तौबा आयत नंबर 61 में हमने पढ़ा था कि इन मुनाफिकीन में से कुछ ऐसे हैं जो नबी को इज़ा देते हैं और वो कहते हैं नबी तो कान है हर एक की बात सुन लेते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कुल ऐ अल्लाह के नबी आप फरमा दीजिए उज़ुनु खैरिल लकुम
अच्छाई के कान हैं तुम्हारे लिए, अच्छी बातें सुनते हैं। युमिनु बिल्लाही व युमिनु लिल मुमिनीना, तो यहाँ वाजी हो जाता है। मैंने यहाँ वजाहत भी की थी। तो युमिनु बिल्लाह का माना क्या करेंगे, बाद में बा आ रहा है, वो ईमान लाता है यानी नबी ईमान लाता है अल्लाह के साथ। व युमिनु लिल मुमिनीना, यहाँ क्या माना करेंगे, वो यकीन कर लेता है मोमिनों पर, मोमिनों की बातों पर। तो जब आमना युमिनु बाब फ़ाल है, अगर इसका सिला, इसको अरबी में सिला कहते हैं प्रपोजिशन, जब इसका सिला बा आए तो ईमान, जैसे हम कहते हैं ईमान बिल्लाह ईमान बिल मलाइका, वो ईमान के माने में होता है। और अगर इसके बाद इसका सिला लाम हो, लाम जा रहा, तो फिर ये यकीन करने के माने में होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ लाम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ लाम पर ज़बर है, लन नुमिन लकुम, और ये जब ज़मीर से पहले आए तो इस पर ज़बर आ जाती है, ये वही लामे जा रहा ही है। कह दीजिए अल्लाह के रसूल, तुम उज़र पेश ना करो, हम हरगिज़ नहीं यकीन करेंगे तुम्हारे लिए। क्यों यकीन नहीं करेंगे, क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, तहकीक ख़बर बयान कर चुका है अल्लाह ताला हमें तुम्हारी ख़बरें, अल्लाह हमें तुम्हारी ख़बरें बता चुके हैं, अल्लाह ने हमें तुम्हारे बारे में और तुम्हारे झूठे उज़रों के बारे में और तुम्हारे करतूतों के बारे में अल्लाह ने खूब वाज़े कर दिए। अब तुम उज़र पेश करो ना करो, अब तुम्हारे उज़र पेश करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे सारे राज फाश हो चुके हैं, तुम्हारे सारे पोल खुल चुके हैं, अब तुम उज़र पेश करो, तुम उज़र पेश ना करो, हम यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब अल्लाह ताला ने नाम तो नहीं लिए, अल्लाह ताला ने तो अमूमी ख़बरें बयान की थी, तो मुमकिन है कि किसी बंदे का मामला मशकूक हो जाए, कोई बंदा हकीकन मुनाफिक ना हो और मुसलमान उसे मुनाफिक समझते रहें, या तो अल्लाह देखिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र तो किया है, अल्लाह ने नाम तो नहीं बताया। और अगर चंद मुनाफिकीन के नाम बताए तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उनको ओपन नहीं किया था। आपने हज़रत हुज़ैफ़ा को बाज़ के नाम बता दिए, 10-12 थे वो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उज़र पेश ना करो, तुम्हारा यकीन ही नहीं होगा। अब इस पे एक सवाल पैदा होता है कि मुमकिन है उनमें से कोई मुनाफिक ना हो। अब उज़र भी तो कई तरह के हैं ना, एक तो उज़र है कि एक बंदा वाकई ही एक बूढ़ा है, कमज़ोरी अपने पीछे पड़ा, ज़ुआफ़ा कमज़ोरी, वो तो वाज़े है, बूढ़ा बच्चा औरतें बीमार। अब ये जो मामला है कि जिसके पास खर्च करने का कुछ नहीं है, कुछ ऐसे उज़र हैं जिनका पहचानना मुश्किल होता है, तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो कि जिन पर यकीन ना किया जाए उनमें कई सही लोग भी हों, तो उसका बताया अल्लाह ने, वसायर अल्लाहु अमलकुम व रसूलहू, अन करीब देखेंगे अल्लाह तुम्हारे अमाल भी और अल्लाह का रसूल भी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ नबी, आप इनसे कह दीजिए तुम्हें उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं होगा, तुम्हारे पौल अल्लाह ताला खोल चुके हैं। लेकिन अब उनके नाम तो नहीं बताए थे, तो कई ऐसे भी हो सकते हैं जो मुमकिन हैं कि मुनाफिक ना हों और उनका वाकई उज़र हो, और फिर कई ऐसे भी हो सकते हैं जो जिस वक्त उन्होंने इजाज़त मांगी और पीछे रहे उस वक्त वो मुनाफिक हों, बाद में मुमकिन है अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक दे दे। अब कभी भी उनका यकीन नहीं होगा, नहीं। अल्लाह ने फरमाया वसायर अल्लाहु अमलकुम व रसूलहू, अन करीब देखेंगे अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल और अल्लाह का रसूल भी। सुम्म तुरद्दून इला, यानी दुनिया में, यानी मतलब ये है कि अब आगे अल्लाह तुम्हारे अमल देखेंगे, अल्लाह तो हर चीज़ को देख रहे हैं और अल्लाह के रसूल भी मौजूद हैं, जो इस वक्त मुसलमानों के नबी भी हैं और मुसलमानों के हुक्मरान भी हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हारे अमाल का जायज़ा लेंगे, अगर तुम्हारे अमाल आगे ठीक, किसी ने तौबा कर ली और आगे अमाल बेहतर हो गए तो उससे मामला फ़र्क हो जाएगा, और अगर किसी के बारे में शक हो रहा है कि वो मुनाफिक है और वो मुनाफिक था ही नहीं, उसका वाकई उज़र ठीक था, तो वो आइंदा की ज़िंदगी से पता लग जाएगा, इसको साबित करना पड़ेगा। आप आगे अल्लाह भी तुम्हारे अमाल देख रहे हैं और अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे अमाल देख रहे हैं, ये तो दुनिया में है। अल्लाह तो अजल से अबद तक है, अल्लाह तो हमेशा अमाल देखते रहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात तय्यबा में।
बाद लोग यहाँ से इस्तदलाल करते हैं कि देखो जी अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि अल्लाह भी तुम्हारे अमाल देख रहे हैं और अल्लाह का रसूल भी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अमाल देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। भाई जब ये आयत उतरी उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, वो कहते हैं नहीं, अल्लाह के साथ नबी का जिक्र आया इसका मतलब है कि जिस तरह अल्लाह हर इंसान के अमाल देखते हैं तो इस तरह नबी भी देख सकते हैं। तो क्या जवाब देंगे हम इसका? वो कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे हालात देख रहे हैं, हमारे अमाल देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। ऐसा जवाब ही जब वो जिंदा थे उस वक्त तक। अब इसकी एक और दलील भी है कि पीछे भी हमने कई मौक़ों पर ये बात कही, इसकी एक और दलील भी है। चंद आयात आगे अल्लाह ताला यही बात दोबारा फरमाते हैं आयत नंबर 105 में, वक़ुल इमलू, कह दीजिए अल्लाह के रसूल अमल करो, फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, अनकरीब देख लेंगे अल्लाह तुम्हारे अमाल और अल्लाह का रसूल भी और मोमिनीन भी। अब अगर हम ये कहें कि जी अल्लाह के साथ रसूल का जिक्र भी है और इससे मुराद ये हुआ कि अल्लाह ताला पहले भी देखते रहे और अभी भी देख रहे हैं और आइंदा भी देखते रहेंगे, तो नबी भी आगे भी देखते रहेंगे अपनी हयात तैयबा में भी। वो कहते हैं कि वो ज़ाहरी हयात थी, अभी भी हयात है अपनी ज़िंदगी में भी और अपने फौत होने के बाद भी। वो कहते हैं अगर वो वहाँ नबी का जिक्र है तो अल्लाह कहते हैं नबी तुम्हारे अमाल देखेंगे, तो इस आयत में तो मोमिनों का जिक्र भी है, अमल करो। ये आयत इसी ज़िमन में नाजिल हुई, ये चंद आयत आगे इसी ज़िमन में ये आयत भी है, कह दीजिए अमल करो, अनकरीब अल्लाह तुम्हारे अमल देखेंगे और अल्लाह के रसूल भी और मोमिन भी। यानी आइंदा तुम्हारे अमाल दलील बनेंगे। अगर कोई कहे मैं तौबा करता हूँ, कोई कहे नहीं नहीं मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मेरी सही उजर था, कोई ऐसे बात करे, तो फिर आगे तुम्हारा अमल इस बात को साबित करेगा। अब बातों से ये बात साबित नहीं होगी, अब ये बात कस्मों से साबित नहीं होगी, अब ये बात अमल से साबित करनी पड़ेगी। तुम्हारे अमाल को अल्लाह भी देखेंगे और रसूल भी देखेंगे, मोमिन भी देखेंगे। क्या यहाँ भी ये कहेंगे कि मोमिन भी, वो भी हर एक के अमाल देख रहे होते हैं? यहाँ तो माना करना पड़ेगा ना कि मोमिन भी देखेंगे, जो जो जिंदा होंगे वही देखेंगे। तो यही जिस तरह मोमिन अल्लाह के मखलूक हैं, उनमें खुदाई इख्तियारात नहीं है, इस तरह नबी अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल, वो नबी और रसूल तो हैं, वो आम मोमिनों की तरह तो नहीं है, लेकिन उनमें खुदाई सिफात तो नहीं है। तो इस मामले में अल्लाह के रसूल भी वो मखलूक हैं और उनमें खुदाई सिफात नहीं है, वो भी अपनी ज़िंदगी में ही आमाल से बाखबर हो सकते हैं। क्लियर है? ये आयत पेश कर देते हैं, अगली आयत छोड़ देते हैं, हालांकि दोनों आयात में 10 आयात का फ़र्क है। फिर वो बाज ऐसी आयात भी ले आते हैं कि देखो जी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, फरिश्ते भी मदद करेंगे। भाई ये आयत और उससे वो दलील ले रहे हैं, देखो जी अल्लाह के अलावा और भी मदद करते हैं। भाई वहाँ सालिहुल मोमिनीन का जिक्र किया, मोमिन भी मदद करेंगे, तो इससे मुराद वो मदद नहीं है जो खुदाई इख्तियारात के तहत होती है। उससे मुराद ऐसी मदद है कि अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने जितना जितना ताकत दे रखी है, मा तहतल असबाब, उतनी उतनी वो मदद कर सकता है। तो इस किस्म की आयात कुछ लोग पेश करते हैं अपने गलत अकायद को साबित करने के लिए, इन आयात की गलत तावील करके। तो हमें इन चीज़ों से बड़ा बाखबर होना चाहिए। ये जो शुबहात होते हैं ना, ये शुबहात हैं असल में, जो इस किस्म की आयात से लोग गलत तावील करके निकालते हैं। ये शुबहात, ये एक बंदा अमली तौर पे, अल्लाह माफ़ करे, गुनाहों में मुबतला हो, एक बंदा गुनाहों में मुबतला होता है अपने शहवात की वजह से, तो शुबहात का फितना शहवात के फितने से ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि जब एक बंदा, उसको पता है कि ये एक चीज़ गलत है, मैं कर रहा हूँ, शराब पीना गलत है, मैं शराब पी रहा हूँ, किसी वक्त ठोकर लगेगी ना, वो अपनी इस्लाह कर लेगा, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ। किसी वक्त इंसान की हालत बदलती रहती है, कभी इंसान अल्लाह से दूर होता है, कभी अल्लाह से करीब भी हो जाता है। जब अल्लाह से करीब होगा इंसान तौबा कर लेगा। ये जो शहवात का फितना होता है, इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे लग जाता है, लेकिन जो शुबे का फितना होता है ना, इसकी इस्लाह नहीं होती। क्योंकि इसमें इंसान वो अच्छे हालात में हो, बुरे हालात में हो, ठोकर लगे ना लगे, वो तो समझता है मैं ठीक कर रहा हूँ, हालांकि वो गलत कर रहा होता है। बिदत भी इसी में आती है, बिदत भी इसी में आती है। ये जो शुबे का फितना होता है, ये शहवत के फितने से बहुत बड़ा होता है।
तो ये जो कुरान करीम की आयात से और बाज़ अहादीस मुबारक से गलत इस्तदलाल किया जाता है, उसके बारे में हमें बहुत ध्यान से उन आयात और उन अहादीस का मुतालिया करना चाहिए और उसके बारे में सही मौक़िफ़ सहाबा किराम का, ताबीन निज़ाम का, हमारे सलफ़ सालिहीन का हमारे सामने होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें साथ साथ वाज़े करता रहूँ, तो यहाँ भी मैंने यही वाज़े करने की कोशिश की है। हम तुम्हारी बात तुम उज़र पेश ना करो, हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ने हमें तुम्हारी सारी खबरें बता दी हैं। हाँ, अगर कोई तौबा कर ले, अगर कोई नहीं है मुनाफिकीन में से, वसायरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अनकरीब अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेंगे आइंदा, और अल्लाह का रसूल भी उससे मज़ीद वाज हो जाएगा। अगर कोई तौबा कर लेता है, कोई इस्लाह कर लेता है, तो अल्लाह भी देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं अपनी हयात तय्यबा में। ये तो दुनिया में है। सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल गैबी वश्शहादत, फिर तुम लौटाए जाओगे उस अल्लाह की तरफ जो आलिमुल गैबी वश्शहादा है, जो गैब को भी जानने वाला है और हाजिर को भी जानने वाला है, फिर उस अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे, फिर वो तुम्हें खबर देगा साथ उसके जो तुम अमल करते थे। क़यामत के दिन तो फिर अल्लाह ने तो हिसाब लेना ही लेना है। वो फिर तुम्हें तुम्हारे अमाल की जज़ा देगा, अच्छे अमाल होंगे तो उसकी और बुरे अमाल होंगे तो उसकी जज़ा उसके मुताबिक देगा। वो तुम्हें सिर्फ खबर नहीं देगा तुम्हारे अमाल की, साथ बदला भी देगा। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुरिदू अन्हुम, अनकरीब वो कस्में उठाएंगे अल्लाह की तुम्हारे लिए ऐ मुसलमानों, इज़न क़लबतुम इलैहिम, जब तुम पलटोगे उनकी तरफ, लितुरिदू अन्हुम, ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, ताकि तुम उनसे एराज करो। उनसे एराज से यहाँ क्या मुराद है, यानी एराज से मुराद दरगुजर करना है उनका। ये जो बड़ा जुर्म है कि वो जो झूठी सच्ची उजर पेश करके इजाज़त ले ली और वो शरीक नहीं हुए, तो जब तुम आओगे वापस तो वो कस्में उठाएंगे। अल्लाह के मुनाफिकीन का कई दफ़ा हमने पढ़ा, कस्में उठाएंगे वो, जिसकी बात का यकीन नहीं होता तो कस्में उठाता है, उससे मज़ीद उसकी बात के अंदर जो है ना, वो जो बंदा कस्में ज़्यादा खाता है उसकी बात का फिर यकीन भी नहीं होता। तो ये कस्में उठाएंगे अल्लाह की तुम्हारे लिए जब तुम लौटोगे इनकी तरफ, क्यों कस्में उठाएंगे, ताकि तुम इनसे मुंह मोड़, ताकि तुम इनसे एराज करो, एराज से मुराद ताकि तुम इनकी नाराज़गी से एराज करो, ताकि तुम इनसे फिर सख्त और दुरुस्त रवैया ना रखो, तुम इनकी कस्मों पर यकीन खा कर, यकीन करके तुम इनके साथ सेट हो जाओ दोबारा पहले की तरह। अब तो अल्लाह ने जो आयतें उतारी उसके बाद मुसलमान मुनाफिकीन के बारे में वो पहले की तरह रवैया नहीं रख सकते थे, लेकिन अब अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम वापस आओगे तो कस्में उठा उठा कर तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम इनसे एराज करो। एराज से मुराद यहाँ दरगुजर करना है, इनकी इनके साथ सख्ती से एराज करना, सख्ती करने से एराज करना, सख्त रवैया रखने से एराज करना, दरगुजर करना। अल्लाह जवाब में क्या फरमाते हैं, फ़आरिज़ू अन्हुम, तुम वाकई ही इनसे एराज करो। अब यहाँ एराज करने से क्या मुराद है, यहाँ ये पिछले एराज और इस एराज में फ़र्क है, यानी वो कस्में उठाएंगे जब तुम लौटोगे, ताकि तुम उनसे एराज करो, पहले एराज से मुराद ताकि तुम उनकी नाराज़गी से एराज करो, तुम दरगुजर करो, ये मुराद है। दूसरे फ़ारिज़ुआन, तुम वाकई ही उनसे एराज करो, यहाँ मुराद तुम उनसे नाराज़गी करके उनसे एराज करो, तुम इनसे वैसे ही रहो रसम ही ना रखो, गंदे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, इनसे रहो रसम ही नहीं रखना चाहिए। आगे आ रहा है इन्नहुम रिज्स, ये नजिस लोग हैं, रिज्स कहते हैं नापाक को, ये अमाल के अतबार से नापाक किस्म के लोग हैं, इन लोगों से तुम्हें रहो रसम रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम वाकई ये चाहते हैं तुम इनसे दरगुजर करो, इनके नाराज़गी से दरगुजर करो, तुम इनसे वैसे ही मिलना जुलना छोड़ दो। अल्लाह ने कितने पोल खोले और कितनी सख्ती का रवैया रखा मुनाफिकीन के साथ। वमाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है, जज़ा अम बिमा कानू यक्सिबून, बदला है बस अब इसके जो वो कमाते थे। ये जो दुनिया के अंदर ये इनका बदला और ये जो इनके आखिरत की सज़ा है जहन्नम, ये इनके अमाल की वजह से, अल्लाह की तरफ से कोई सख्ती नहीं। यहलिफून लकुम लितरदौ अन्हुम, वो कस्में उठाते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम राज़ी हो जाओ उनसे। मुसलमानों को अल्लाह खिताब कर रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए कस्में उठाते हैं, कौन मुनाफिक या कस्में उठाएंगे, मुस्तकबिल की बात है, जब तुम वापस आओगे तो वो तुम्हारे सामने कस्में उठाएंगे ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ,
फ़इन तरदौ अन्हुम, बस अगर तुम उनसे राज़ी हो गए, अगर तुम उनसे राज़ी हो भी गए, फ़इन अल्लाह ला यरदौ अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, बस बेशक अल्लाह ताला नहीं राज़ी होंगे फ़ासिक कौम से। तो अगर तुम उनकी हालत पर रहम खाते हुए तुम्हें उन पर तरस आ भी जाए और तुम उनकी बात का किसी हद तक यकीन कर भी लो, राज़ी भी हो जाओ, अगर वो अंदर से गलत है, अल्लाह को तो अंदर तक का पता है, अगर तुम राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह कभी इन लोगों से राज़ी नहीं होंगे। तुम्हारे राज़ी होने से भी ज़ाहिरी तौर पर तुम राज़ी हो जाओगे, लेकिन असल तो अल्लाह की रज़ा का फ़ायदा है। अल्लाह राज़ी हो जाए फिर दुनिया और आख़िरत का फ़ायदा है। अगर अल्लाह ही राज़ी नहीं है तो फिर इन्हें, अगर तुम्हें ये मुतमिन कर भी लें, अगर तुम किसी हद तक इनसे राज़ी हो भी जाओ, अल्लाह फासिक कौम से राज़ी नहीं होंगे। तो देखिए अल्लाह ने मुनाफिकीन की किस तरह पोल खोले हैं, और देखिए किस तरह ये मुनाफिकाना अमाल और किस तरह ये जो शकूक व शुबहात और ये डगमगाते रहना, समझ ना आना इंसान क्या करे क्या ना करे, अल्लाह पर इतमाद ना हो, अल्लाह के वादों पर, रसूल के वादों पर, तो फिर ये जो रवैया होता है कैसा बेवकूफ़ाना रवैया होता है। और अल्लाह ने इसको, देखिए अल्लाह ने इसको रिजिस करार दिया कि ऐसे लोग नापाक होते हैं। नापाक से क्या मुराद है, यानी इनके अमाल ये नापाक हैं, ये मुनाफ़िकत यानी ये पलीदगी है, ये नापाकी है। इंसान ज़ाहिरी नापाकी को कितना नापसंद करता है, तो ये ज़ाहिरी नापाकी नहीं है, ये अंदर की नापाकी है, और अंदर की नापाकी तो ज़ाहिरी नापाकी से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मुशरिक नजिस होते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, तो मुनाफिक भी रिजिस होते हैं, रिजिस का मतलब भी नापाक। तो जिस तरह कुफरी अमाल वो मुशरिक को नजिस बना देते हैं मानवीय तौर पर, वो ज़ाहरी तौर पर नजिस होता है कि नहीं होता, इख्तलाफ है। बाद में कहते हैं ज़ाहिर भी नजिस होता है, बहरहाल उसको छूने से एक मुसलमान नजिस होता है कि नहीं होता, मानवीय तौर पर तो नजिस है मुशरिक, उनके अंदर जो कुफर और शिर्क है। तो ये बाकी तमाम अमाल को भी पलीद कर देता है, और ये जो मुनाफिकों का निफाक है तो ये उनके तमाम अमाल को पलीद कर देता है। इससे ये भी पता लगता है इन आयाती करीमा से कि जब मुनाफिकीन की बातों पर यकीन नहीं होता था लोगों को, तो मुनाफिकीन कस्में उठाते थे, तो अल्लाह ने बार बार इनकी कस्मों का जिक्र किया, पीछे भी जिक्र किया और यहाँ दोनों आयात में जिक्र किया इनकी कस्मों का। वो कस्में उठाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, अल्लाह फरमाते हैं इनकी कस्मों पर कोई यकीन ना करो, और आगे फरमाया वो कस्में उठाएंगे ताकि तुम राज़ी हो जाओ, अल्लाह ने हमें राज़ी ना हो, अगर तुम राज़ी हो भी जाओगे तो अल्लाह राज़ी नहीं होंगे। असल तो अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह का तो अंदर तक का पता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मुनाफिकों के ऐसे अमाल होते हैं या गुनहगारों के ऐसे अमाल होते हैं कि वो दूसरों को अपनी चापलूसी से, चरब जबानी से, या कस्में उठा उठा कर मुतमईन कर देते हैं, और दूसरे लोग कई दफ़ा, इंसान कमज़ोर है, इंसान के पास इल्म गैब भी नहीं होता, अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब, अल्लाह को तो अंदर तक का पता है, बाज़ दफ़ा इनकी इन बातों में, इस तरह की बातों में नबी भी आ जाते हैं ज़ाहिरी बातों पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक इंसान हूँ, आपकी हदीस है सही बुखारी वगैरह में, इन्नमा अना बशरुन, मैं इंसान हूँ, तुम मेरे पास झगड़े लेकर आते हो, मुमकिन है तुम में से कोई शख्स चर्ब जबानी से मुझसे कोई ऐसा फ़ैसला करवा ले जो सही नहीं है, मैं उसकी चर्ब जबानी की वजह से उसके हाथ में कोई ऐसा फ़ैसला कर दूँ जो सही नहीं है, उसको पता है अंदर से कि मैं सही नहीं हूँ, तो अगर मैं किसी को कोई चीज़ दे दूँ उसकी चर्ब जबानी की वजह से, तो वो चीज़ ना ले, मैं उसे आग का टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुसलमान भी इस तरह, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम उनसे राज़ी हो भी गए, अल्लाह राज़ी नहीं होंगे, तो अल्लाह को तो अंदर तक का पता है। हर ये काफिरों से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इनकी सज़ा ज़्यादा ख़तरनाक है। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल असफली मिनन नार, तो अल्लाह इनसे इतने नाराज़ होते हैं कि अगर मुसलमान अपने, मुसलमान जो हैं वो अल्लाह, वो उनका इल्म नाकिस है,
अगर वो नाकिस इल्म की वजह से इनको सही भी समझ लें इनके चरब ज़बानी से और इनकी कस्मों की वजह से, तो अल्लाह को तो अंदर तक पता है। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मसला आया, कुछ लोग ज़ाहिरन मुसलमान थे वो, तो अब उन्होंने कोई गलत काम किया, कोई चोरी वगैरह की, इल्ज़ाम यहूदियों पर लगा दिया कि जी मुसलमानों को तो यहूदियों से बड़ी नफरत है, तो जब यहूदियों का नाम आएगा तो आंखें बंद करके लोग कहेंगे यहूदियों ने किया है, हम पीछे पढ़ाए हैं सूरह निसा में इस, तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने, वहाँ वो काम उनका था, वो जो ज़ाहिरन मुसलमान था काम उनका था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लम को, नबी सल्लम को भी शुरू में गलत फहमी हो गई किसी हद तक, वला तुजादिल अनिल लदीना यख्तानूना अनफुसहुम, ए नबी सल्लम उन लोगों की तरफ से आप झगड़ा ना करें कि जो अपने नफ्सों से खयानत कर रहे हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खवानन नसीमा, जो खयानत करने बहुत खयानत करने वाला गुनाहगार है अल्लाह उसको पसंद नहीं करते। और आगे अल्लाह ने फरमाया था वहाँ, हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया, अगर तुम दुनिया में उनकी तरफ से लड़ाई कर भी लो उनकी हमायत में, फमन युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल क़ियामति अम्मन यकून अलैहिम वकीला, क़्यामत के दिन अल्लाह से कौन लड़ेगा इनके बारे में, क़्यामत के दिन तो इनका फरीक अल्लाह होगा इनका मद मुकाबिल, तो अल्लाह से कौन लड़ेगा, और अम्मन यकून अलैहिम वकीला, क़्यामत के दिन इनकी वकालत कौन करेगा। तो अगर कोई दुनिया में इनसे राज़ी हो भी जाए इनकी चरब ज़बानी की वजह से और इनकी कस्मों की वजह से, तो क़्यामत के दिन जब सारे पोल खुलेंगे तो अल्लाह तो राज़ी नहीं होंगे, तो अल्लाह को कौन कैसे राज़ी करेगा, फ़ायदा तो तब होना जब अल्लाह राज़ी हो। तो ये जो कस्में उठाते थे बात बात पर, अच्छा क्या कसम उठानी चाहिए, ये बार बार जो कस्में उठाते हैं, हमें कुरान करीम में कस्मों का जिक्र भी मिलता है, अल्लाह भी कसम उठाते हैं, नबी भी कसम उठाते थे, नबी सल्लम भी अपने बात में जोर देने के लिए वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, और यहाँ अल्लाह ताला बार बार इन मुनाफिकीन की कस्मों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे। हाँ उठानी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, झूठी कसम नहीं उठानी चाहिए, लेकिन अगले को कैसे पता लगेगा ये झूठी है या सच्ची है, अल्लाह को तो पता है। हाँ यानी ये इंसान के हवाले से है कि इंसान झूठी कसम कभी भी ना खाए, थोड़ी हो या ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन झूठी कसम तो किसी को भी नहीं उठानी चाहिए। वैसे जो है ना, हमें इन मुनाफिकों का जब भी हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ कस्मों का जिक्र मिलता है, जैसे ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام, سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہیں ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں, کیونکہ وہ باتیں ان کی بڑی جو ہے نا ظاہرا جو ہے نا ایسے لگتا ہے جیسے ان سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہی کوئی نہیں ہے, حالانکہ ساری باتیں ظاہری ہوتی ہیں, ان کو باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں, اور وہ بات بات پر اللہ کو اپنے دل پر گواہ بناتا ہے, اور وہ سب سے بڑا جھگڑا لوگ ہے, तो सूरह तौबा पढ़े तो इनकी कस्मों का पता लगता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इंसान को ज़्यादा कस्में नहीं उठानी चाहिए, ज़्यादा कस्में उठाना वैसे ही पसंदीदा नहीं है, ज़्यादा कस्में वो उठाता है जिसकी बात पर लोगों को यकीन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कसम उठानी नहीं चाहिए, कसम उठानी जायज़ है बिल्कुल, ये एक हर ज़बान का एक हुसन होता है, हर ज़बान की एक बलागत होती है, और अपनी बात पर ज़ोर देने के लिए एक बिल्कुल सच्चा शख्स जिसने कभी झूठ ना बोला हो वो भी कसम उठा सकते हैं, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है, अल्लाह भी कसम उठाते हैं, ठीक है, यानी अपनी बात में जोर देने के लिए तो कसम होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसम उठाते थे बात पे जोर देने के लिए, लेकिन ये उसका वतीरा नहीं होता अच्छे शख्स का कि बात बात पर कसम उठाए, कसम वो उठाता है बात बात पर कि वो जो एहसास कमतरी का शिकार है कि मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, मैं सच्ची बात भी करूंगा तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, वरना जो बावकार लोग हैं तो वो आम तौर पे कसम नहीं उठाते। आप किसी बावकार शख्स से, किसी अल्लाह से डरने वाले से कहें कुरान उठाओ, वो सच्चा होने के बावजूद कुरान उठाने की जरूरत आराम से नहीं करेगा, हालांकि कुरान उठाने में कोई मसला नहीं है, अगर बंदा सच्चा है तो जो मतलब बात बात पर कुरान उठाने पर तैयार हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करें, तो ऐसे शख्स के नज़र में कुरान की वो अहमियत नहीं होती,
फिर वो कई दफ़ा बात बात पर हलफ देने पर कोई तैयार हो जाए, तो इससे पता लगता है कि इंसान कसम उठा सकता है, कुरान उठा सकता है इंसान जब ज़रूरत हो, ज़रूरत के वक्त। तो इसको बात बात पर कसम उठाना, हलफ उठाना, तो ये चीज़ कोई पसंदीदा नहीं है। इससे इंसान की बात में वज़न कम हो जाता है। और जो लोग ज़्यादा कसमें नहीं उठाते, ज़रूरत के वक्त कसम उठाते हैं, तो लोग वो कसम ना भी उठाएं लोगों को उनकी बात का यकीन होता है। लोग कहते हैं फ़लाँ ने बात कह दी है, तो वो फ़लाँ बंदा झूठ नहीं बोलता, फ़लाँ बंदा सच्ची बात कहता है, तो उसकी बग़ैर कसम की बात का वज़न कई दफ़ा उन लोगों की बात से ज़्यादा होता है जो कसमें उठाते रहते हैं। الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب بدو بادية نشين خانہ بدوش یہ جمع ہے اعرابی کی الأعرابی ایک بدو شخص اور اس کی جمع ہے الأعراب زیادہ بدو لوگ تو عرب بادیا نشی یا خانہ بدوش یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا یعنی باقاعدہ کوئی شہروں وغیرہ کے اندر دیہات وغیرہ کے اندر ان کا گھر نہیں ہوتا بلکہ جہاں ان کو کوئی باغ نظر آتا ہے پانی نظر آتا ہے تو وہاں یہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں ان کا کہیں باقاعدہ ٹھکانہ وغیرہ نہیں ہوتا جب ان کا باقاعدہ ٹھکانہ وغیرہ نہیں ہوتا تو جہاں انہیں کوئی پانی میسر آئے جہاں کوئی کہیں انہیں پھل وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں میسر آئیں تو وہاں یہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ شہروں کے اندر باقاعدہ رہائش اختیار کر کے نہیں رہتے شہروں میں یا قصبوں میں رہائش اختیار کر کے نہیں رہتے تو ان لوگوں کے اندر وہ ایٹیکیٹس نہیں ہوتے وہ طور طریقے نہیں ہوتے جو لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں دیکھیے جب انسان شہروں میں رہتا ہے یا قصبوں میں رہتا ہے تو لوگوں سے معاملات کرنے کے لیے انسان کو کچھ راہ رسم اختیار کرنے پڑتے ہیں کچھ ایٹیکیٹس اختیار کرنے پڑتے ہیں اسلام ایٹیکیٹس پہ بہت زور دیتا ہے مسلمان نہ بھی ہوں کوئی بندہ مسلمان نہ بھی ہو مجبوری ہے اس کو کہ وہ دوسروں کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کے لیے کچھ ایٹیکیٹس اختیار کرے نہیں کرے گا تو کیسے رہے گا اس کو لوگوں کے ساتھ امن و سکون سے رہنے کے لیے ایٹیکیٹس کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ بدو لوگ ہیں یہ زیادہ تر ان راہ و رسم سے ان ایٹیکیٹ سے دور ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کی مجبوری جنہوں نے کہیں رہنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑے سے خروے مزاج کے اجڑ مزاج کے ہوتے ہیں بدو عام طور پر تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا بدو لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں اور نفاق میں وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله اور یہ زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانیں اللہ کی حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی انہیں زیادہ اللہ کی تعلیمات کا قرآن کی تعلیمات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے تھے تو انہیں اللہ رسول کی تعلیمات کا بھی زیادہ پتہ نہیں ہوتا کیوں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ شہروں کے اندر قصبوں کے اندر ان کی رہائش نہیں ہوتی تو بدو لوگ یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں اور نفاق میں اصل میں صرف بدو ہونا ہم یہ نہیں کہیں گے جو بھی بدو ہے تو وہ کافر ہے اور بدترین کافر ہے بدترین منافق ہے نہیں بدو میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی آگے آئے گا لیکن چونکہ یہ شہروں کے اندر قصبوں کے اندر رہتے نہیں ہیں کسی جگہ ٹک کر رہتے نہیں ہیں تو یہ عام طور پر اجڑ اور ایٹیکیٹس وغیرہ سے آ رہی ہوتے ہیں تو اب یہ جس طرف بھی ان کا مزاج چلا جائے جس طرف بھی ان کا تو یہ اس میں سخت ہوتے ہیں اپنے جذبات کو پیش کرنے میں تو یہ سخت ہوتے ہیں اگر یہ کفر نفاق کی طرف ہوں تو ان کا کفر نفاق عام لوگوں کے کفر نفاق سے زیادہ شدید ہوتا ہے ان کی دشمنی زیادہ سخت ہوتی ہے اور دوسری طرف اگر یہ صحیح طرف آ جائیں تو وہاں بھی یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں تبصرہ کر رہے ہیں
बदुओं के बारे में, और बदुओं के दो गिरोहों का, दो किस्मों का जिक्र किया है। पहली किस्म का यहाँ जिक्र हो रहा है, ये वो बदु मुराद हैं जो मदीना में रहते थे। मदीना तो फिर शहर था, तो कुछ मदीना में और कुछ मदीना के करीब खाना बदोश किस्म के लोग। तो बदु लोग ज़्यादा सख्त हैं कुफर में और निफाक में, और ये ज़्यादा लायक हैं कि ये ना जाने वो हुदूद जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की। क्यों नहीं जानते थे हुदूद तालीमात? क्योंकि ये ज़्यादा शहरों में रहते नहीं थे, इनको ज़्यादा पता नहीं होता था कि कुरान में अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, नबी वसल्लम की क्या तालीमात हैं, इसलिए नहीं पता होता था, क्योंकि ये मदीना में रहते नहीं थे, ये मदीना के इर्द गिर्द रहते थे, कम इनका आना जाना होता था मदीना में। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह ताला बहुत जानने वाले और बहुत हिकमत वाले हैं। अल्लाह इनके हालात भी जानते हैं बदुओं के, और अल्लाह बहुत हकीम हैं। अल्लाह की मखलूक में बदू भी हैं और शहरों में रहायशी लोग भी हैं। देहाती इसका तर्जमा नहीं करना चाहिए, देहाती बदू नहीं होता। बदू आराब का लफ्जी मतलब होता है, यानी वो लोग जिनका बकायदा कहीं ठिकाना ना हो, जिस तरह मैंने इसका तर्जमा किया खाना बदोश या बादिया नशीन। ठीक है, देहाती लोग देखिए, शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, वहाँ मुस्तकिल टिक के रहने वाले लोग, इन सब को अरबी में यानी साहिब करिया या अहलुल कुरा कहते हैं। ये करिया है, बड़ी बस्ती हो, वो कस्बा हो, छोटा गांव हो, ये सब के सब चीज़ें करिया में आती हैं। तो बदू का उल्ट है अस्हाब करिया या अहलुल कुरा। तो बस्ती वाले लोग जो हैं, करिया वाले लोग, वो एटिकेट्स वाले होते हैं, वो बदू के बिलमुकाबिल। वैसे अगर हम ये पढ़ें बदू के बारे में और करिया वालों के बारे में, तो निस्बतन अंदाज़ा होता है कि यानी करिया वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं बदू के मुकाबले में, आम तौर पर कदर बेहतर होते हैं। बाकी असल चीज़ तो ईमान है, जिसमें जितना ईमान होगा वो। तो वैसे अगर जिस तरह बाज़ लोगों के, बाज़ मुल्कों के कुछ ख़ास तौर तरीके होते हैं, इसी तरह ये शहर वालों, करिया वालों के और बदू लोगों में अगर वैसे अगर देखा जाए तो करिया वाले लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं। और इसका इस बात से भी पता लगता है कि अल्लाह ताला ने कोई नबी बदुओं से नहीं भेजा, जितने नबी आए हैं वो करिया वालों में आए हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में सराहत से फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने नबी भेजे, एक तो वो मर्द थे और नंबर दो वो मिन अहलिल कुरा, वो करिया वाले थे, वो बदू नहीं थे। कोई एक नबी भी बदुओं में से नहीं आया, बदुओं की इन बासिफात की वजह से जिनका यहाँ जिक्र हुआ। तो बाकी मैंने जिक्र किया कि बदू का बदू होना सिर्फ काबिल मुज़म्मत नहीं है। अगर वो एक बदू ईमान वाला है तो वो बहुत बेहतर है उस शहरी से जो ईमान वाला नहीं है। असल चीज़ तक़वा है अल्लाह के यहाँ। बाकी अगर ईमान में दो बराबर हों, एक बदू और एक शहर वाला, तो शहर वाला बेहतर होगा। और वैसे भी अल्लाह ने शहर या कस्बा वगैरह में रहने वालों, अल्लाह ने ये एक एक इसको बतौर एहसान जिक्र किया है। कोई बंदा शहर में रहता हो, हज़रत यूसुफ़ के किस्से में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो एहसानात गिनवाते हैं अपने भाइयों को, जब हज़रत यूसुफ़ के भाई तौबा ताइब हो गए और हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि तुम भी मेरे पास आ जाओ मिस्र में, और मेरे माँ बाप को भी ले आओ, और वो सब आ गए और वो सब हज़रत यूसुफ़ के सामने झुक गए सजदा तअज़ीमी में, और हज़रत यूसुफ़ का ख्वाब पूरा हो गया कि मुझे सूरज और चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ के वालिद हज़रत याकूब और वालदा या खाला जो भी थी, चाँद और 11 भाई, 10 भाई दूसरी माँ से और हज़रत बिन्यामीन उन्हीं में से, तो 11 भाई उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को सजदा किया ताज़ीमन। तो हज़रत यूसुफ़ ने उस वक़्त फिर उन्हें कहा, और रफ़ा अबवैही अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा,
وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. حضرت يوسف نے کہا کہ اے میرے ابا جان، اے پیارے ابا جان، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا ہے. وقد احسن بي اذا خرجني من السجن، اللہ نے مجھ پر یہ احسان بھی کیا تھا جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا تھا. وجاء بكم من البدو، اور اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اللہ تمہیں لے آیا صحرا سے. وجاء بكم من البدو، بدو، اللہ تمہیں بدو سے لے آیا. یہ حضرت یوسف نے اللہ کا احسان ذکر کیا اپنے بھائیوں پر کہ تم اب مصر میں آگے ہو. یہ مصر ایک بڑا شہر ہے، بہت بڑا، اور اللہ تمہیں بدو سے مصر میں لے آیا ہے. تو جہاں رہتے تھے حضرت یوسف کے والد اور ان کے بھائی، اور حضرت یوسف بھی پہلے وہاں رہتے تھے، تو اس جگہ کو مصر کے مقابلے میں بدو قرار دیا، صحرا. تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ شہروں میں، قصبوں میں رہائش پذیر ہونا یہ اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کوئی انسان جنگلوں میں اور ایسی جگہوں میں رہائش پذیر ہو. بہرحال، ویسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی کا بدو ہونا صرف اس لیے کہ بدو ہے یہ قابل مذمت نہیں ہے، اصل چیز ایمان ہے. بدو اگر وہ کافر ہوگا، منافق ہوگا، تو زیادہ شدید ہوگا اپنے کفر میں اور نفاق میں. تو بدو زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ اللہ کی حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری نہ جانے، کیونکہ وہ شہروں میں رہتے نہیں، ایٹیکیٹس ان کو پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو بدو تھے، تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، بوسا دے رہے ہیں، تو کہنے لگے میرے 10 بچے، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. دیکھیے ان کا ایک مزاج ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اور وہ جو ایک لوگوں کا آپس کا تعلق، اور باپ، ماں باپ اور بچوں کا تعلق آپس میں، بدوؤں میں یہ بھی یعنی ان کے خربے مزاج کی وجہ سے کچھ کم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے بچوں کو پیار ہی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی صفت ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، لوگوں کے ساتھ میل جول کر کے رہا جائے. تو وہ بھی بدو تھے، اور کچھ بدو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارنا شروع ہو گئے. سورہ حجرات میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ اونچی آواز نہ کرو اور نبی کو باہر سے نہ پکارو، جب نبی کے پاس وقت ہوگا نبی خود باہر آ جائیں گے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم، تو یہ بدو تھے. وہ اگرچہ ایمان والے تھے لیکن وہ ایٹیکیٹس جو صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ رہ کے سیکھے، تو وہ لوگ باہر سے آئے تھے اور وہ ایمان والے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا حتیٰ کہ آپ نکلتے. صحابہ کرام یہی کرتے تھے، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ نکلتے تو بہتر ہوتا. یعنی بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی بڑا ہو، استاد ہو، ماں باپ ہوں، بزرگ ہوں، تو چھوٹے لوگوں کو بجائے اس کے بار بار ان کو تنگ کریں، ان کو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا انتظار کرنا چاہیے. سیدنا ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت ان کے استاد تھے، تو حضرت ابن عباس ان کے گھر کے باہر آ کر بیٹھے رہتے دھوپ میں، تو وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. حضرت زید بن ثابت باہر نکلتے تو حضرت زید حضرت ابن عباس سے کوئی مسئلہ جو پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیتے، تو حضرت زید بن ثابت کہتے کہ آپ کب سے بیٹھے ہیں، آپ بلا لیتے مجھے. تو وہ کہتے نہیں، آپ استاد ہیں اور آپ اہل علم ہیں، اللہ نے ہمیں اہل علم ان کا دھیان رکھنے کا حکم دیا. تو پھر حضرت زید بن ثابت ان کا ہاتھ چوم لیتے اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے جو اہل بیت ہیں، اللہ نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا. حضرت ابن عباس اہل بیت میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے. تو بہرحال یہ چیزیں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. تو بدو زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے وہ حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی. اللہ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں. ومن الاعراب من يتخذ، یہ ایک عمومی تبصرہ ہے. پھر اب آگے اللہ بدوؤں کی پہلی جو قسم ہے، یہ کافر اور منافق کی، انہیں کا تذکرہ مزید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ومن الاعراب، اور بدوؤں میں سے من، وہ بھی ہے جو يتخذ ما ينفق مغرما، وہ پکڑتا ہے جو وہ خرچ کرے چٹی. یہ منافق قسم کے بدوؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ان کو، اب جو منافق ہے تو اب اپنے آپ کو جب مسلمان ظاہر کرتا ہے
तो अब उसे ज़कात तो अदा करनी है, सदक़ात तो अदा करने हैं चाहे या ना चाहे। अगर नहीं अदा करेगा तो लोग उसे मुसलमान ही नहीं समझेंगे। और बदुओं में से वो भी है जो पकड़ता है जो वो खर्च करे चट्टी, जो उसे खर्च करना पड़ता है तवा व कर, वो कहता है ये तो बड़ा तावान है, बड़ी चट्टी है। याद रखिए जो बंदा भी ज़कात व सदक़ात को तवान समझे, बोझ समझे, तो ये निफाक है, अल्लाह माफ़ करे। और हम पीछे पढ़ चुके हैं जो बंदा ये इन चीज़ों को बोझ समझे, अल्लाह के अहकामात को, नमाज को, कुरान को, और इन चीज़ों को, कुछ लोग दीनी सज़ाओं को बोझ समझते हैं जी, वहशियाना सज़ाएँ हैं ये हो भाई, वहशियाना सज़ा अल्लाह माफ़ करे, वहशियाना सज़ाएँ कहाँ है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि रोह पैदा हो जाए माशरे में, माशरे के अंदर जो है ना लोग गुनाह करने की तरफ आए ही ना। तो ये अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की हदूद और उनकी सज़ाएँ, कड़ी सज़ाएँ माशरे के अंदर से इन बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हैं। ये वहशियाना सज़ाएँ हरगिज़ नहीं हैं। और जो बंदा इन्हें बोझ समझता है, पहली बात तो ये इन्हें बोझ वो समझे जिसने ये काम करना, जिसने करना ही नहीं उसे डरने की क्या ज़रूरत है। भाई कत्ल की सज़ा कितनी सख्त क्यों ना हो जाए, जिना की सज़ा कितनी सख्त क्यों ना हो जाए, ये तो वो डरे जिसने जिना करना है, जिसने कत्ल करना है, जिसने नहीं करना उसको क्या ज़रूरत है डरने से, डरने की। तो जब भी किसी मुल्क में, किसी माशरे में इस्लामी सज़ाओं की बात आए तो कौन चीखते हैं, लिबरल लोग चीखना शुरू कर देते हैं। भाई चीखे तो वो के ये तो यानी वलकुम फिल क़िसास हयातुन, यानी अल्लाह ताला सज़ाओं के ज़रिए एक माशरे के अंदर खौफ पैदा कर देना चाहते हैं कि कोई बंदा इस चीज़ को सोचे भी ना, चोरी। और ये चीज़ असल में हम लोग इसमें चोरी को हल्का समझते हैं, हाथ काटने से बताया कि ये हल्का नहीं है, इंसान के हाथ की बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। असल में चोरी की जो सज़ा क़यामत के दिन है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान थोड़ी सी चीज़ चोरी करता है और उसका, तो ये असल में माशरे के अंदर चोरी को ख़त्म करने के लिए सख्त सज़ा रखी गई है। इसी तरह इस्लाम में सज़ाएँ हैं वो सख्त हैं, और अल्लाह चाहते हैं वो सज़ाएँ सब लोगों के सामने दी जाएँ ताकि माशरे के अंदर जो है वो माशरा इन चीज़ों से महफूज हो। तो जो लोग इन चीज़ों को, इस्लामी अहकामात को, इन चीज़ों को बोझ समझता है, तो ये अल्लाह माफ़ करे। जैसे मैंने कल आपके सामने जिक्र किया, अल्लाह के अहकामात को नापसंद जानना, कराहत का इजहार करना, ये कुफर है, ये कुफर और निफाक अकबर है, ये बड़ा कुफर है और बड़ा निफाक है। तो बदुओं में से वो भी है जो पकड़ता है जो वो खर्च करे चिट्ठी, वो खर्च करने को ज़कात व सदक़ात को चट्टी समझता है। वो यतरब्बसु बिकुम अद्दवाइर, और वो इंतज़ार करता है तुम्हारे साथ अद्दवाइर। अद्दवाइर ये जमा है दायरा का, दायरा या दौर, दौर कहते हैं घूमने को, जिसको हम गर्दिश करना कहते हैं ना, हमारा मुहावरा भी है गर्दिश ज़माना, तो इससे मुराद मुसीबतें। तो ये जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं बदू, यहाँ पहली किस्म का जिक्र हो रहा है, जो निफाक में भी बहुत बड़े हुए हैं, एक तो वो सदक़े को खर्च करने को चट्टी समझते हैं, और नंबर दो वो ज़ाहिरन कहने को वो मुसलमान है लेकिन वो मुसलमानों के बारे में उनकी ख्वाहिश यही होती काश के मुसलमानों को मुसीबत आए तो हमें बड़ी खुशी होगी, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं तुम्हारे साथ गर्दिशों का, गर्दिश ज़माना का, यानी मुसीबतों का। अलैहिम दायरतुस्सौ, उन्हीं के ऊपर दायरा है बुराई का, ये अल्लाह की तरफ से जवाब है। जो मुसलमानों का बुरा चाहे तो अल्लाह फरमाते हैं इन्हीं के ऊपर बुराई का दायरा है, या तो ये बद्दुआ है उनके लिए या ये उनके लिए पेश गोई है, अल्लाह की खबर है। अगर ये बद्दुआ हो तो फिर गोया कि अल्लाह ताला बतौर बद्दुआ कह रहे हैं इन्हीं पर ही बुराई पड़े और इन्हीं पर ही यही मुसीबत में मुब्तला होंगे दुनिया में, और या फिर ये खबर है अन करीब ही अपने निफाक की वजह से, अपने इन करतूतों की वजह से ये दुनिया के अंदर इन सज़ाएँ मिलेंगी इनको, और मुसीबतें इनके ऊपर आएंगी, बीमारियां इनके ऊपर आएंगी, और आखिरत में भी। या ये बद्दुआ है या ये खबर है इनके बारे में, मुस्तकबिल की पेश गोई है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाले, बहुत सुनने वाले, बहुत जानने वाले। एक ये किस्म है बदुओं की। وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, और बदुओं में से वो भी है। अब दूसरी किस्म, यानी बदू बराए बदू होना ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छे और बुरे होने का।
असल तो क्राइटेरिया तो तकवा और ईमान होता है, तो बदू में भी ईमान वाले हैं, इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं, और बदुओं में से वो भी है जो ईमान लाता है साथ अल्लाह के और आखरत के दिन के। वयत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरुबातिन इंद अल्लाह, और वो पकड़ता है जो वो खर्च करे कुर्बतों का जरिया अल्लाह के नज़दीक, व सलावात रसूल और रसूल की दुआओं का जरिया। यानी अब देखिए बिल्कुल उल्टा है पहले लोगों के बिलमुकाबिल। पहले लोग, पहले बदू वो कुफर में और निफाक में ज्यादा सख्त हैं। ये दो किस्में हैं बदुओं की, एक किस्म यानी मुनाफिक काफिर किस्म के बदू, और दूसरे मोमिन। दो किस्में हैं बदुओं की। तो पहले किस्म के बदू वो कुफर और निफाक में ज्यादा सख्त थे और वो अल्लाह की हुदूद ज्यादा नहीं जानते, और उनकी एक सिफत ये थी कि जो वो खर्च करते थे वो उसे चटी समझते थे, और मुसलमानों पर जो है वो दुआएं करते रहते थे, खुश होते थे कि मुसीबत आए। अब यहाँ ये बिल्कुल उल्टा है पहलुओं के मुकाबले में। पहले लोग कुफर निफाक में ज्यादा सख्त थे, ये अल्लाह और आखरत पर ईमान लाते हैं, ये अल्लाह पर ईमान में ज्यादा सख्त हैं। पहले लोग जो हैं वो ज़कात सदकात को चट्टी समझते थे, ये क्या करते हैं, ये पकड़ते हैं जो वो खर्च करें अल्लाह के यहाँ कुर्बतों का जरिया और नबी की दुआओं का जरिया। ये खर्च करते हैं, दिल की खुशी से खर्च करते हैं, और ये समझते हैं हम जितना खर्च करेंगे हम अल्लाह के करीब होंगे, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये जितना खर्च करते हैं तो इनको नबी की दुआएं मिलती हैं। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, ये नबी की दुआएं हासिल करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं। इससे पता लगता है, एक तो खर्च करना बहुत बड़ी नेकी है, ख़ास तौर पर जब वो खुलूस के साथ और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो किया जाए, बहुत बड़ी नेकी है। और इससे पता लगा कि जब कोई खर्च करे तो जिसको भी दे दीन के लिए खर्च करने के लिए उसे दुआएं देनी चाहिए आगे बहुत ज़्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग ज़कात व सदक़ात जमा करवाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं दिया करते थे बहुत ज़्यादा, तो सहाबा किराम को इसकी बड़ी खुशी होती थी, और सहाबा किराम बाकायदा चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआएँ दें, और वो कई दफ़ा ज़कात व सदक़ात जमा करवाते इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो और इसलिए नबी की दुआएँ हमें मिलें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएँ किया करते थे। एक सहाबी ने आपको ज़कात सदक़ात जमा करवाई तो आपने उन्हें दुआ दी, सही बुखारी में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली अबी औफा, ए अल्लाह ये अबू औफा जिन्होंने ये ज़कात सदक़ात जमा कराए, ए अल्लाह इन पर इनकी आल औलाद पर रहमतें भेज, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे। तो ये बदू जो हैं ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, और अपने ज़कात व सदक़ात को अल्लाह के कुरब का ज़रिया समझते हैं, नबी की दुआओं का ज़रिया समझते हैं कि नबी अल्लाह का कुरब हासिल होगा, नबी की दुआएँ मिलेंगी, ये उनकी नीयत है। तो अल्लाह के जवाब में क्या क्या जवाब देते हैं, अला इन्नहा कुर्बतुल्लहुम, खबरदार ये सदक़ात ये कुर्ब का जरिया है इनके लिए। ये इनकी सोच, इनकी नीयत बिल्कुल सही है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नबी की दुआएं हासिल करने के लिए इनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, ये इनका खर्च करना इनके लिए कुर्बत का बाइस बनेगा। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, अन करीब दाखिल करेंगे उन्हें अल्लाह अपनी रहमत में, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले बहुत रहम करने वाले हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।